नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वंदना की रसोई में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाने की खीर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है बनाना, झटपट बन जाता है और बिल्कुल रबड़ी की तरह बना के, और बहुत ही स्वादिष्ट, यम्मी। और आइए फटाफट बनाते हैं व्रत के लिए साबूदाने की खीर। ऐसे भी झटपट अगर बनाने का मन है तो आइए वैसे भी बना के आप खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक घंटा पहले हम साबूदाने को भिगा के रख दिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मसल जा रहा है। आप छोटे वाले साबूदाने, बड़े वाले साबूदाने जो चाहे उससे बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 लीटर दूध, इसमें हमने तकरीबन 100 ग्राम पानी डाला है। पानी थोड़ा डालना ज़रूरी है क्योंकि एकदम गाढ़ा दूध है। यहाँ पे हमने साबूदाने के खीर के लिए कुछ फल काट लिया है, जैसे कि सेब है, केला है, आम है, अंगूर है और अनार है। जो आपको मिल जाए वो काट लीजिए। इसके साथ जब लास्ट में डालेंगे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो दूध वहाँ पे रख दिए हैं अच्छे से उबलने के लिए। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मखाने का लावा और काजू, इलायची, बादाम, अखरोट और थोड़ा सा पिस्ता, यहाँ पे हमने 10-10, 15-15 पीस के करीब लिया है। मखाने का लावा ज़्यादा मिल जाए तो ले ले। और यहाँ पे हमने इलायची को अच्छे से कूट लिया है। इलायची को कूटने के बाद हम ड्राई फ्रूट को भी थोड़ा थोड़ा करके इसी में क्रश कर लेते हैं। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसे पाउडर बना सकते हैं। यहाँ पे हमें व्रत के लिए बनाना है तो मिक्सर में, जैसे हम लोग मसाले पीसते हैं तो उसका इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करते हैं, तो इसको इसी में हम कूट लेते हैं। तो अगर आपको जैसे आसान हो वैसे आप इसे पाउडर बना सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही पाउडर नहीं बनाया, दरदरा कूटा है। यहाँ पे देख सकते हैं दूध अच्छे से उबल गया है और साबूदाना यहाँ पे हमने तकरीबन 100 ग्राम के करीब लिया था। इसे अच्छे से धो के 1 घंटा के लिए छोड़ दिया था। अच्छे से फूलना चाहिए तभी इसके अंदर कच्चापन नहीं रहेगा और अच्छे से ये बन जाता है। इसके बाद दूध उबल गया था तो हमने जो कूटा हुआ ड्राई फ्रूट था वो डाल के, और इसके बाद यहाँ पे साबूदाने को डाल दिया है। अब इसे अच्छे से चलाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में हम डाले हैं। एक ही बार में डालेंगे तो ये अंदर जाके जम जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ड्राई फ्रूट भी डाले हैं और साबूदाना भी डाले हैं। मखाना डायरेक्ट ऐसे डाल दीजिए, इसे कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहें कि छोटा छोटा पीस करके डालें तो जैसे हम 4-5 पीस आपको दिखाए हैं तोड़ते हुए, वैसे भी डाल सकते हैं। इसको अब अच्छे से हमें पकाना है ताकि ये रबड़ी के कंडीशन में आ जाए। बहुत ही ज़्यादा नहीं गाढ़ा करना है क्योंकि साबूदाने की खीर है, ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से 2 से 3 उबाल आने के बाद इसमें डाल दिया स्वाद के अनुसार चीनी। मीठा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कम ज़्यादा। इसको अब अच्छे से हम चलाते हैं और देखिए थोड़ा सा दूध यहाँ पे कम हो चुका है जल के। बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है क्योंकि इसका टेस्ट में बहुत ही अंतर आ जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा करेंगे तो। हम बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं बनाते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही, अगर इसे आंच पर से उतारेंगे तो ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होने लगता है, इसलिए इसे थोड़ा पतला ही रखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट को कूट के बाद में, जैसे पिस्ता हो गया और काजू हो गया, इसमें बादाम नहीं रखे हैं, और इसको ऊपर से डालेंगे ताकि ये जब हम परोसें तो ये बहुत ही अच्छा लगे। तो इसको हम रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए
अच्छे से थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद तो फिर हम इसमें फ्रूट डालेंगे। अभी भी ये थोड़ा गर्म है इसलिए इसको फ्रूट को अलग ही रखे हैं। ऊपर से थोड़ा हम ड्राई फ्रूट सजा देते हैं और लीजिए, ये बनके बहुत ही स्वादिष्ट रेडी है। तो दोस्तों, खीर थोड़ी सी ठंडी होती है तभी अच्छी लगती है, तो इसे थोड़ा सा ठंडा करें, फिर अपना मन पसंद फ्रूट डाल के इसे सर्व करें। तो दोस्तों, अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।